नमस्कार सारे राजाओं को राजा बनना है। चलें इसी मुहिम के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पिछले वीडियो में मैंने नॉर्थ के जोन के बारे में बताया था। इस वीडियो में एनएनई है ना, क्या होता है हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन, कौन कौन से देवता उस पे विराजमान है और कैसे हम इसे डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करते हुए बहुत अच्छी हेल्थ गेन कर सकते हैं। चलिए पिछले वीडियो के कुछ इनसाइट्स, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं इस वीडियो के साथ साथ, उसके कुछ और इनसाइट्स मैं इस वीडियो में शेयर कर देता हूं। जैसे मैंने कहा था उसमें बुधर, सोम और बल्लाहट तीन देवता विराजमान है। बुधर टास्क मास्टर जो डेली आप करते हैं, और बल्लाहट जो चुनाव की शक्ति है, जो चुनना है। अब उसे कैसे पकड़ें कि देवता में स्प्रिंग जाएंगे है ना, या फिर कॉइन्स जाएंगे है ना, या फिर देवता को ही इंसर्ट देवमनियों के माध्यम से करेंगे। जिसका चुनाव करता हूं हमेशा गलत ही होता है, ऐसा एक भाव आता है ना। ये सृष्टि भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है। इन शॉर्ट भाव कह सकते हैं इन सृष्टि की हर एक आवाज को, हर एक अंदर की दिमाग के अंदर की तरंगों को हम एक भाव कह सकते हैं। एक भाव आया, आज मुझे यहां जाना है, जैसे ही घर का दरवाजा खोला, कोई दुख भरी खबर सुनाई दी और नहीं गए आप उस लोकेशन पे या उस जगह पे। चलिए एक इंटरकनेक्ट करते हुए स्टोरीज को समझिएगा। जिसका चुनाव करता हूं वो चुनाव हमेशा गलत हो जाता है। डेट मींस कि देवता मिसिंग है। मैंने चुना है सही निकलेगा, तो देवता की पावर थोड़ी सी लो हो रखी है। यहां पर कॉइन्स डाल सकते हैं, पहले में हम देवता को ही इंसर्ट कर सकते हैं और इसमें कॉइन्स डाल सकते हैं। जिसको चुनता हूं हमेशा गलत ही निकलता है, उल्टा हो जाता है। या मेरा चुनाव हमेशा गलत हो जाता है, इस तरीके की अगर कोई बात कहता है तो देवता की पोलैरिटी उल्टी हो रखी है। देवता है ना, बुधर, बल्लाहट और सोम, इसके बारे में चर्चा चल रही है। अब सोम मैंने हमेशा कहा सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। यहां चुनने की शक्ति हो रही थी, यहां पर सॉल्यूशन की बात हो रही है, सोल्यूशन प्रोवाइडर। मुझे एक फोन आते हैं, मुझे काफी फोन आते हैं, पर उसमें एक रेंडम कॉल जो मैं कनेक्ट कर लेता हूं, हालांकि ये बात आज मैं स्क्रीन के सामने आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, तो मुझे फोन आते हैं, मुझे कहते हैं सर जिसका करता हूं उसका तो अच्छा हो जाता है, जब मैं अपना कुछ करता हूं या मैं कोई अपने यहां कोई इंप्लीमेंटेशन करता हूं तो मेरा कभी भी नहीं लगता, या मेरे को वो काम नहीं आती वो सॉल्यूशन। दैट मींस कि सोम की एनर्जी लो हो रखी है और वहां मिसिंग पार्ट्स हैं। मिसिंग पार्ट उसमें हम देवता इंजेक्ट करके उसे ठीक कर लेते हैं। जो अप्लाई करता हूं हमेशा नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, दैट मींस कि नेगेटिव इफेक्ट तो उल्टी हो रखी है वो एनर्जी फील्ड। एक और बात आती है, थोड़े थोड़े रिजल्ट आते हैं, पूरे रिजल्ट नहीं आते हैं जब भी मैंने कुछ अप्लाई किया है, थोड़े थोड़े रिजल्ट, तो इट मींस कि सोम की एनर्जी है तो पर वो कम हो रखी है। तो आपने देखा इस तरीके से छोटे छोटे कॉम्बिनेशन, इस छोटे छोटे भाव को हम पकड़ के उसके सॉल्यूशंस दे सकते हैं। आज इस वीडियो में जुड़े रहिए और एनएनई के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे कि एनएनई हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन क्या होता है और उसमें कौन कौन से देवता विराजमान है। धन्यवाद। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आज हम डिटेल चर्चा कर रहे हैं एनएनई के बारे में, एनएनई नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के जोन के बारे में, हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन इसे कहा गया है, उसके बारे में इसमें चर्चा कर रहे हैं। हेल्थ एंड इम्यूनिटी के जोन के अंदर चार देवता आते हैं, बुधर, आपवत्स, भुजंग और अदिति। चार देवता, मैं धीरे से बोल रहा हूं ताकि उसे लिख पाए और समझ पाए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बुधर जो देवता है, जो नॉर्थ का देवता है, जो मेन है, वो टास्क मास्टर। आपवत्स आपका न्यूट्रिशन पावर जो कहते हैं ना, जो बॉडी के अंदर जो फ्रूट्स हैं, सर्वो स्टाइलिन फ्रूट्स, जो फ्रूट्स होते हैं उसको गवर्न करता है। जब हम किसी केमिकल कंपोजिशन को ग्राइंड करते हैं, या इन शॉर्ट अल्कोहल अगर हम कभी ग्राइंड करते हैं तो हमारा सर घूमता है ना, ये जो घूमता है उसे आपवत्स कहते हैं। अगर फ्लूइड ज्यादा हो जाए बॉडी के अंदर तो सर घूमने की जो फीलिंग होती है वो आपवत्स के वजह से होता है। ये नॉर्थ ईस्ट का देवता है। भुजंग आपकी इम्यूनिटी का पावर, इम्यून सिस्टम, आपके पास एक इम्यून सिस्टम होता है जो सेफगार्ड करता है भुजंग। अगर आप प्रतिमा विज्ञान के बारे में देखेंगे तो ये सांप को कहा गया है, प्रतिमा विज्ञान में नाग सांप को भुजंग के बारे में कहा गया है।
स्टोरीज में अगर इसे कनेक्ट करेंगे तो ये वो देवता है जो आपकी तिजोरी को सेफ गार्ड करके रखता था, तो ये वो देवता है। अदिति, मदरहुड के बारे में कहा है इसे, मदरहुड। किसी भी वातावरण में जब कोई केयर टेकर का जॉब करता है, किसी भी वातावरण में जब आप किसी वातावरण के अंदर घुसते हैं तो वहां एक केयर टेकिंग का पावर होता है ना, कि हर कोई एक दूसरे की केयर टेक करता है ना। परिवार में भी कोई एक घर का मुखिया होगा, कोई घर का केयर टेकर होगा, इस तरीके के अलग अलग लोग हैं जो पूरा परिवार चलाते हैं, तो ये केयर टेकर है। बहुत अच्छे से लिख लीजिए, छोटे से केयर टेकर। अब क्या होता है, एनएनई के अंदर जब भी मेरे पास कोई कंसल्टेंसी के लिए काम आता है या मुझे कभी भी किसी की क्लाइंट की कंसल्टेंसी करनी होती है, तो मैं उससे खूब सारे सवाल पूछता हूं। उसी में से कुछ सवाल मैं आपको पूछने की बात कर रहा हूं। आप उससे पूछिए कि आपका डेली का रूटीन क्या है। इस पे भी डेली का रूटीन इसलिए बोला जाएगा कि डेली का रूटीन, क्योंकि जो हेल्दी व्यक्ति है उसका एक डेली का रूटीन फिक्स है। कुछ भी एज हो पर उसकी एक डेली की रूटीन होता है। ये टास्क मास्टर का जॉब होता है, जैसे वॉक पे गया क्या, ऑफिस जा रहा है क्या, उसे जो चीजें पसंद आती है उसे वो खुशी से अपना रहा है क्या, दिन के अंदर कुछ तो ऐसा काम करता है, कोई तो ऐसे जॉब वो डन करता है जो उसे सेटिस्फाई करते हैं क्या, तो ये टास्क मास्टर की बात है। तो सबसे पहला क्या आपने बोला कि वॉक पे गया क्या, वॉक पे गया क्या, हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी जब आपका बॉडी फैट कंट्रोल रहेगा, आपकी वो ऊर्जा आपके अंदर स्थापित रहेगी, वैसे तभी तो आपकी हेल्थ कंट्रोल रहेगी। तो इसका छोटा सा शॉर्ट फॉर्म है कि आप इसका एक केमिकल होता है उसे एक्टिवेट कर दीजिए। बहुत सरल है, 45 मिनट की वॉक के बाद वो केमिकल एक्टिवेट हो जाता है। कौन सी केमिकल की मैं बात कर रहा हूं, कुछ पुराने वीडियोस में उसे भी देख लीजिएगा, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके भी लिंक मौजूद है। तो जो केमिकल एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही हम 45 मिनट्स की वॉक लेके आते हैं या हम कभी भी एक जॉगर के ऊपर वॉक करते हैं, वो केमिकल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और पावर ऑफ डिलाइटमेंट देता है, पावर ऑफ डिलाइटमेंट। तो हेल्थ के लिए बूधर कैसे काम आया, है ना, आपने समझने की कोशिश करी। फिर हम बात करते हैं भुजंग की। भुजंग आपका हकीकत में जो स्टोरेज कैपेसिटी है, या मान के चलें जो लड़ने की ताकत है, स्टोरेज कैपेसिटी मतलब वो जो आपके पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव अंदर पे जो भी चल रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव एटम्स हैं वो जो स्टोर करके रखता है। अगर पॉजिटिव बढ़ गया तो आप हेल्दी रहते हैं, नेगेटिव को अगर बढ़ा दिया तो आप इम्यून सिस्टम वीक होने के वजह से आप अपने आप को डल महसूस करते हैं। तो ये वो इम्यून सिस्टम है, पर ये इम्यून सिस्टम का वो स्टोरर है, उसे वो जमा करके रखता है, जिसे भुजंग कहते हैं। पैसे के दृष्टिकोण से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है और हेल्थ के दृष्टिकोण से भी ये सबसे इंपॉर्टेंट पावर है। अगर आपके अंदर हेल्दी न्यूट्रिशंस का स्टोरेज है तो आप हमेशा यंग फील करेंगे और एनर्जेटिक रहेंगे। तो इसे हमने ऐसे देखा। इसके बाद अदिति, कई लोगों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कोई मेरे लिए खड़ा ही नहीं है, कोई मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देता। आधे लोग तो इसलिए बीमार हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मेरे पे ध्यान देने वाले लोग खत्म हो गए। तो अदिति, अदिति N7 का देवता की मैं बात कर रहा हूं, चार्ट्स में आपको दिख रहे होंगे, ये वो देवता है जो एक दूसरे के ऊपर ध्यान लेके आता है, या फिर हमारे अंदर का वो केमिकल खत्म कर देता है कि हमें किसी के ध्यान के वजह से अपनी हेल्थ की टेक केयर करनी है। मैंने काफी एनवायरमेंट्स में इस चीज को महसूस किया कि लोग बातों बातों में सिर्फ यही कहने में लगे रहते हैं कि यहां तो हमारी कोई केयर ही नहीं करता, यहां हम क्यों आ गए, ये ऐसा वातावरण है जहां कोई किसी की परवाह ही नहीं करता। ये परवाह कोई किसी की नहीं करता, करना खुद ही पड़ता है, पर ये समझने के लिए भी ये पावर सही होगी, तभी इंसान को ये बात समझ में आएगी। तो आज छोटी छोटी बातों के साथ मैंने देवताओं को कनेक्ट किया, आपस को भी कनेक्ट कर देता हूं। ये छोटी सी ऐसी पावर है जिसके वजह से आपका बॉडी का फ्लूड, जो भी फ्लूड है आपके बॉडी के अंदर जितने रसायन है ना, ये उसको प्रॉपर वे से मैनेज करता है, एक्स्ट्रा फ्लूड को ये बाहर निकालता है। और जो काम के हो, क्योंकि देखिए हर चीज अगर स्थापित है, अगर वो सुर में है तो आपके लिए हमेशा डिलाइटमेंट लेके आएगी। अगर वो असुर हो रखी है, कोई देवता सुर या असुर की बात जब करता है तो वो बात कैसे करेगा, वो आपके बॉडी के अंदर वो रिफ्लेक्शंस देगा। जब आप किसी के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनते हैं तो आपस की एनर्जी और N5 की एनर्जी दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्यूशंस मिलते हैं वो सामने वाले को लग जाते हैं। तो इसे उस दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। आज चार देवताओं का छोटा सा फिर से रिकैप, कौन से चार देवता, एनएनई के चार देवता, बुध टास्क मास्टर, अदिति केयर टेकर,
भोजन आपकी इम्यून सिस्टम को बचाने वाला, आपके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करके रखने वाला, या डिफेंडर सिस्टम को, जैसे डिफेंड करते हैं ना बीमारियों के साथ जब लड़ाई करते हैं, और उसमें जो केमिकल्स ज्यादा हो जाए, जो पॉजिटिव केमिकल्स ज्यादा हो जाए तो बीमारियों का नाश होता है, तो भोजन वो एनर्जी फील्ड है। इस तरीके से आप बस आपका सर्वोस्टाइलिन फ्लूड, मैं लिख दूंगा ऐसे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के साथ, है ना, कि ये वो फ्लूड है जो आपको अपने आपे में रखता है। कई लोग अपने आपे के अंदर नहीं आ पाते, या वो ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो गलत डिसीजंस हैं, तो इसका कनेक्शन दोनों देवताओं के साथ भी है, भुजंग के साथ भी है और भल्लाहट के साथ भी है और सोम के साथ भी है, तीनों देवताओं के साथ है। तो देखिए, एक ही रामलाल, किसी का ब्रदर किसी की सिस्टर, तो बार बार उसी चीज को समझना कि एक रामलाल के बहुत सारे स्वरूप हैं। जब हम किसी के रिजल्ट को मैनिफेस्ट करते हैं, स्पेशली हम अगर इसके अंदर हम बात करें, हम किसी की रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट करने की बात करें स्पेशली हेल्थ के जोन्स के हिसाब से, तो मैं हमेशा कहता हूं कि वॉल से 7-8-10 फुट छोड़ के एक ब्रास के कंटेनर में थोड़ा सा पानी भर के रख दो। ब्रास का कंटेनर क्यों यूज किया? क्योंकि मैं आपस को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहता हूं। अननेसेसरी की जो भावना आपके अंदर आए रखी है, जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन सी भावना? भावना का क्रिएटर है ना आपस। और कौन सी भावना? कोई मेरे का केयर नहीं करता, कोई मेरी टेक केयर नहीं करता। ये जो भावना है, इसको थोड़ा कंट्रोल किया और पानी डाला वहां पर, वापस से पानी रीस्टेट किया, तो ऑटोमेटिकली हेल्थ सुधरने लग जाती है। आप भी करके देखिए, एनएनई के जोन के अंदर या नॉर्थ ईस्ट के जोन के अंदर, वहां से 10 फुट छोड़ के एक ब्रास के कंटेनर में, कंटेनर ऐसा लीजिएगा जिसका सर्फेस बहुत ज्यादा हो, ताकि वो जमीन में काफी अच्छे से रखा जाए, जैसे 1 फुट का उसका गोलाकार हो तो वो जमीन में रखा जाए, और थोड़ा सा पानी भर दीजिए और जमीन में रख के इसके रिजल्ट हमें जरूर शेयर करना। पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट भी कीजिएगा, और साथ साथ इतना सारा प्यार देने वास्तु गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। राजा बनना है, और वो भी तन मन धन से। धन्यवाद।